मैंने यही सोचा मैं, मैं जब भी क्लास में जाऊंगी तो मैं सिर्फ मुन्ना भाई वाला सीन <laughs> मेरी हो मेरी मम्मी भी कहती होती थी पहले कि किसी को बदवा लगे ना तो वही कचहरी जाए हमारी एक बहुत बड़ा सोसाइटल प्रेशर होता है कि शादी कब हो रही है मतलब लोगों को मुझे लगता है तुम्हारा किसी ने कोई जादू किया हुआ है बाप ने अपनी बेटी का रेप किया छोटी सी बेटी का और उसको भी आ, मर्डर भी कर दिया बाप ने और फिर कन्फेस्ट भी कर लिया करने वाला नहीं डरा तो जिसके साथ हुआ है वो डर रहा है वो शर्म शर्मिंदा है वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नॉट एवरी वुमन मैं हूं मरीम कहवान और इस सीरीज़ में आपकी मुलाकात होती है ऐसी खवातीन से जो खुद खुदातम हैं बालाहत है बाशर है, हैं और बाहर निकल के ऐसा काम करें कि बाकी देखने वाले इंस्पायर होकर रह जाते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है मेरी इन गेस्ट के साथ और एवरी गेस्ट दैट कम्स टू दिस सीरीज़ उनके पास कुछ ना कुछ नया होता है शेयर करने के लिए नॉट एवरी वमन का कॉन्सेप्ट ये है कि इट्स एन फॉर न्यू ई फॉर एवरी एन डब्ल्यू फॉर वुमन नॉट एवरी वुमेन यानी कि जो स्टिगमाज अटैच हैं कुछ खुतिन के साथ उनको तोड़ कर बाहर निकल कर अपना नाम मनवाया है उन्होंने मुख्तु शोबात से उनका तल्लुक होता है एंड एट द सेम टाइम दे डूइंग समथिंग डिफरेंट एंड दे हैव अ डिफरेंट स्टोरी टू शेयर मेरी आज की जो गेस्ट हैं बहुत ही ख़ास है और न्यू एलिमेंट ये है कि वरना तो बंदा कहते हैं ना कि हम किस करियर में जाएँ लोगों को एक करियर नहीं मिलता माशाल्लाह से इन्होंने दो करियर्स अपनाए है हुए हैं एंड शी शी इज़ प्रोफेशनल अबाउट देम बोथ ये नहीं है कि एक को सिर्फ हॉबी या टाइम पास के लिए रखा हुआ है इनकी बायो डिस्क्रिप्शन है अ लॉयर स्टक बिटवीन फैशन शूट्स एंड लॉस सूट्स एंड नथिंग बेटर देन दिस टू एक्सप्लेन व्हाट नायला डज अस्सलाम वालेकुम नायला वालेकुम सलाम थैंक यू सो मच व्यूम फॉर सच ब्यूटीफुल इंट्रो और मैं यही कहूंगी कि मेरी दोनों फील्ड्स जो है मतलब फिर भी आपको चूज़ तो करना पड़ता है दोनों में से हाँ। जो मुझे मेरे लिए स्पेशल है और जो मेरे लिए अच्छी फील्ड मुझे लगती है मुझे वो लॉयर फील्ड ही लगती है मतलब हाँ। तो मुझे लिटिगेशन में ही ज़्यादा इंटरेस्ट है बेशक उसमें मुझे लगता है मेहनत ज़्यादा है रास्ता मुश्किल है लेकिन मैं हमेशा चूज़ लीगल कैरियर को ही करूँगी लीगल को ही करूँगी तो कल को अगर ऑप्शन आ जाती हाँ। है या दोनों को साथ लेकर चलना असाइनमेंट मुश्किल होता है तो ना ना लिए लिए। लिए। हाँ क्योंकि वो उसमें ग्रोथ ज्यादा है और उसमें मैं मैं कोई कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूं। उसमें लोगों के लिए आसानियां पैदा कर सकती हूँ इसमें भी है ये मेरे लिए ठीक है फील्ड मतलब मेरी लाइफ को बैलेंस रखने के लिए हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लीगल कैरियर वाला जो रास्ता है वो उसको मैं ज़्यादा चूज करूंगी और एक वो भी बीच में कुछ पॉइंट के बाद आ जाते ना कि आपका नहीं दिल करता कि आपको लोग जस्ट एज अ फेस मैं मैं यही यही चीज यही कहना चाहती थी कि मैं जब मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई थी लॉ से पहले मैंने एम किया है क्योंकि पहले मतलब मैं बहुत कंफ्यूज थी लेके कि मैं करूँ या अच्छा। ना करूँ क्योंकि तब आप सिर्फ ये देख रहे होते तो आपके दोस्त क्या कर रहे हैं आपके सारे ही जो कैरियर होता है वो इसी पे रिलाई करा होता है आपकी फैमिली क्या कह रही है आपकी अपनी कोई चॉइस ही नहीं होती या आप बचपन से सोचते हो कि आपने डॉक्टर बनना है उसके बाद कोई और ऑप्शन नहीं होती आप सोचते हो मैंने शादी करनी है हाँ। और कोई कैरियर नहीं बना सकते सब देखते हो कि दोस्त क्या कर रहे हैं और जो दोस्त कर रहे हैं बस वो उसी रेस में जाना है और वही सब कुछ करना है तो मैं भी ऐसे ही थी तो उस टाइम पे सारे दोस्त यही कर रहे थे बीबीए एम बी तो मैं भी इसी में घुस गई और मैं मैंने अपनी तरफ से सोचा कि मैं बस ठीक कर रही हूँ बस मैंने अच्छे ग्रेड्स लेने यही दिमाग में गोल था और कोई गोल नहीं है कि मैंने क्या करना है और क्या बस यह है कि जिसमें घुस गई हूं बस ग्रेड्स अच्छे आने चाहिए और यही सोचा और बहुत अच्छे तरीके से एम किया फाइनेंस चूज किया लेकिन जब मैंने उसके लिए सोचा कि मैं इसको आगे कैसे लेके चलूंगी इस फील्ड को सब कुछ पढ़ लिया है बिजनेस कैसे करना है वो पढ़ लिया है जॉब कैसे करनी है इसमें वो पढ़ लिया है एचआर क्या है मार्केटिंग क्या है सब आता है लेकिन कहीं से मैं स्टार्ट ही नहीं ले सक रही इस चीज में मतलब वो डिग्री उस तरह से हेल्पफुल ही नहीं थी मेरे लिए या हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि आपको वो कुछ उस तरह से प्रैक्टिकली सिखाता नहीं है

उसमें जैसे मैंने केस लॉस देखी है और सब चीज़ें देखी मतलब रियल लाइफ एग्जांपल्स थी ना तो इस वजह से बिजनेस में ना कोई रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं ना आपको कुछ पता चलता है आप बस पर जट्टा मार रहे हो और, हो रहे और रहे जो बस देख रहे हो पढ़ रहे हो एग्जाम्स दे रहे हो बस तो फिर इस वजह से कि ये था कि मैंने जब लॉ चूज़ किया वो मेरे लिए डिफरेंट था ये मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगी कि नॉर्मली तो लोग उतना पूरी जिंदगी पढ़ hmm. ली बस कर दो भाई अब एम भी कर लिया उसके बाद बिल्कुल नए सिरे से hmm. एक नई फील्ड नए सब्जेक्ट नई hmm. डोमेन में जाना लोग पड़ा hmm. रिलकटेंट हुआ हाँ हाँ exactly, मेरे लिए भी बहुत तो रिलकटेंट किसने सपोर्ट किया या क्या <laughs> सोच के था कि चलो भाई नए सिरे से मुझे था मैंने नहीं सोचा मैं जब भी क्लास में जाऊँगी तो मेरे सब मुन्ना भाई वाला सीन हो वो सब समझे कि मैं टीचर हूँ लेकिन शुक्र है कि हमारी न्यू जनरेशन ऐसी है कि वो हमसे बड़े लगते हैं तो मेरी क्लास में जाके मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं तो वो सब मेरे से बहुत छोटे थे लेकिन वो मेरे से इतने अक्लमंद और इतने

तो वहाँ पे मैंने देखा कि इतने ज्यादा लोग थे जो बहुत बड़ी बड़ी एज के थे और वो लॉ कर रहे थे right. तो मैंने सोचा कितना अच्छा है मतलब एग्जाम वाली पूरी लाइन ही डिफरेंट थी वो तो जॉब्स कर रहे थे अपने कैरियर में इतने आगे जा चुके थे और वो लॉ कर रहे थे इतने ऑफिसर्स थे जो लॉ कर रहे थे लेकिन यूनिवर्सिटीज में नहीं थे वो शायद ऑनलाइन ही करते हैं या क्या तो लेकिन फिर मुझे आइडिया हुआ कि पढ़ाई की कोई एज नहीं होती और मैंने सोचा ये मेरी इन्वेस्टमेंट थी बहुत अच्छी अपने ऊपर और ये वो डिसीजन है जो आप कहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट मेरे लिए yes, मैं बहुत इंपॉर्टेंट yes, है मैं कहती मैंने बहुत अच्छा किया क्योंकि उससे पहले मुझे लोग इंटरव्यूज के लिए बुलाते थे, थे ना एज एन इन्फ्लुएंसर क्या आपने कहती थी मैंने सुन सकती कि लोग ये क्यों कह के इनको क्यों बुलाया इनसे हमें क्या मोटिवेशन मिल रही है या क्या लर्निंग है क्योंकि मैंने देखा लोगों को लोगों को लगता है जिससे एक बल्ब में मैट्रिक कर लिया ना बस वो मोटिवेशन है नहीं। ऐसा नहीं है आप और लोग भी मोटिवेशन होते हो और क्योंकि हर किसी की लाइफ की डिफरेंट स्टोरी है डिफरेंट स्ट्रगल्स हैं तो वो अगर आके बता रहा है तो अच्छा ये नहीं कि मैट्रिक जिसने कर लिया बल्ब के नीचे वही मोटिवेशन है और उसी को आप एज ए गेस्ट बुला सकते हो आप काफ़ी लोगों को बुला सकते हो जिनकी लाइफ की स्टोरीज हैं जो लोगों को बता सकते हैं अपनी स्टोरीज अपनी स्ट्रगल्स क्योंकि लोग तो अपनी स्टोरीज और स्ट्रगल्स बताते ही नहीं है ना नहीं बताते कि नहीं अब बस और इस

वो हर सब्जेक्ट के ऊपर hmm. बात कर सकते हम जैसे मेरी कुछ डिजिटल मीडिया hmm. जर्नलिस्ट hmm. भी हुआ तो मैंने उनसे यही पूछा मैंने कहा आप कैसे अपने आप को जर्नलिस्ट hmm. कह सकते हो hmm. अगर आपने फैशन बेस्ड एक अपनी फॉलोइंग बनाई है अब आप उनको एकदम से वुमन हेरासमेंट के ऊपर लेक्चर्स देने शुरू कर दो

दी, ऐसी चीज क्यों है ऐसा नहीं होना चाहिए बाहर जैसे कोर्स को लोग मतलब तो इतना एक प्लेस ऑफ डिग्निटी समझते हैं पाकिस्तान है, में उससे नहीं समझा जाता भाई केस मतलब, का कोई फैसला ही नहीं आता साल में, मतलब, जैसे लॉयर्स को को जजेस एक ग्रेस और डिग्निटी से ट्रीट किया जाता है पाकिस्तान में ऐसे समझा जाता है जैसे पता नहीं कोई गलत काम हो गया तो ये चीज हो सकती इन्वॉल्व होगी वरना तो नहीं तो मुझे खुद बहुत बुरा लगता है मेरी अम्मी भी कहती होती थी पहले की किसी को बदवा लगे ना तो वही कचहरी जाए मेरी सी बात सुनती हुई कहती थी ऐसे कैसे क्यों लोग कहते थे और मेरे दिमाग में भी कचहरी बहुत वो आ गई थी कि मैं कचहरी नहीं जाऊँगी लॉ करके मैं फिर किसी डिपार्टमेंट के साथ ही काम या लोगों करूंगा लॉ में चले जाओ hmm. तो पे इन इन सेफ मैंने भी सोचा था पर मैं इन चीज़ों के लिए के लिए लिए बनी नहीं डेस्क जॉब वरना मैं ए करके वो डेस्क जॉब कर दी पर मुझे था कि मैं नहीं कर सकती ये कि अब नाइन टू फाइव किसी ऑफिस में आप टाइम दे रहे हो और अपनी आपकी कोई लर्निंग नहीं और अपनी आपकी कोई वर्थ ही नहीं बन रही आपकी फील्ड में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है hmm. तो मैं यही सोचती थी मैंने जब अपनी मदर की बात सुनती थी ये और लोगों की बात सुनती थी कि हम तो जी कचहरी अपने बेटों को ना भेजें तो बेटियाँ तो दूर की बात है तो मैं कहती थी ऐसे क्यों बल्कि इवन मेरी बहन वो यंग है उसकी अभी कुछ टाइम पहले शादी होनी थी तो उसे मैंने उसे मुझे पिक करना था तो मैंने कहा कि तुम मुझे कचहरी आ जाना उधर तो थोड़ी देर बैठना चैंबर में फिर मुझे पिक कर लेना कहती मैं अपनी शादी से पहले कचहरी अल्लाह माफ करे मैंने कहा क्या मतलब कोई तो नॉर्मल ऑफिस होता तो तुम आराम से आती है हाँ चल मैं ऑफिस बैठ जाऊंगी तो मैं पिक कर लूंगी कचहरी का इतना बुरा इंप्रेशन क्यों है लोगों में मतलब मेरी अपनी मैंने सोचा मैं चेंज नहीं कर सकी इनको नहीं फील हो रहा कि कचहरी इतनी अच्छी जगह है और सब कुछ तो फिर बाहर बड़ी दुनिया में तो बहुत दूर की बात है उधर तो, तो बहुत टाइम लग जाएगा mm. है भी मैं अपनी मदर को तो लेके गई अपने एक दफ़ा कोर्स में हालांकि पिंडी कोर्स ही लेके गई उधर मैंने अपने अपने बार के सारे मेम्बर से मिलवाया सब ने सबसे मिले मामा को इतना अच्छा लगा और मामा ने काफी टाइम स्पेंड किया उन्होंने अपने बताई बाहर में हम अब क्या चेंजेस कर रहे हैं सब कुछ इलेक्शन होते हैं बार के उसके बाद वो जो सेक्रेटरी बने थे उनसे मैंने मिलवाया सब लॉयर्स जो फ्रेंड्स है उनके साथ मामा मिली टाइम स्पेंड किया मामा को बड़ा अच्छा लगा तो मैंने यही मामा से कहा कि मामा का चेहरी बहुत अच्छी है लॉयर्स भी बहुत अच्छी है। पता नहीं ये लोग ऐसे क्यों समझते हैं बहुत, हाँ। बहुत कम लोगों से सुनने को मिलती है इसमें खुद एक हैरान क्योंकि पता नहीं मैं खुद उधर अब जो बच्चे आए होते हैं मैं उनसे बड़ा स्माइल देकर मिलती हूँ थोड़ा रिलेक्टेंट होते हैं स्माइल बैक करने में क्योंकि उन्हें होता है कि पता रियल में स्माइल दे रही है क्या या वो इतना डरे हुए होते हैं उस माहौल में आके हालांकि अपनी माओ के साथ आए हुए हैं अपने बाप के साथ आए हुए छोटे छोटे बच्चे तो मैं तो अक्सर सोचती हूँ कि मैं सोचा मैं पैकेट्स रखूँ चॉकलेट्स और कैंडीज उनको भी ताकि उनको लगे कोर्ट कोर्स बहुत अच्छे लोग हैं अच्छे। और बड़ी मोहब्बत वाले लोग हैं कोर्ट आना वही तो अभी हमारे पाकिस्तान में जब क्राइम होगा तब बाहर तो हर काम के लिए कोर्स जा रहे हैं लोग तो यही बात है इधर पाकिस्तान में इतना लोग समझते नहीं लोग जाने वाला है तो उसको फोन कर और वो कोर्ट में जाके काम बाहर तो हर चीज के लिए आपको थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया है कोई भी मसला हुआ है उसमें आप शामिल करते हो अपने लीगल

हाँ, क्या हो गया क्या हालांकि यही दोनों लोग आपको प्रोटेक्ट करने के लिए लेकिन लोगों को ये लग रहा होता है ये लोग तब आ रहे तब मसला हो गया प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं हम पे ही कुछ है मसला कर मुझे लग रहा है आप रहा है। ये परसेप्शन चेंज करें sure जो हमारे देख रहे हैं उनको भी एक काफी अलग सा परसेप्शन मिल रहा है हवाले से क्यूँकी हम खुद रिलेक्टेड सही बात है मैं चेंज करती हूँ एक सॉफ्ट इन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा होता है एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट हो रहा होता है इन छोटी छोटी चीज़ों से लोग ये कह रहे होते हैं मुझे भी डिमोटिवेट हाँ। करने के लिए आप तो लगता है बस तस्वीरें ही बनाती रहती हैं आप तो लगता है हाँ। बस तो मॉडलिंग तो हाँ। ही करती रहती है मैं हाँ। हाँ। कहती हूँ अब जो भी अब एक दो नेगेटिव बातें आएंगी लेकिन एक सॉफ्ट इमेज तो क्रिएट होगा ना अक्सर लोग ये भी लिखते हैं लॉयर्स ऐसे भी होते हैं मतलब काफी दफा मेरे इतने अपने मैं अपने सर्कल में जाती हूँ तो वो लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं बताती हूँ मैं लॉयर हूँ या मेरी बहन भी है तो कहती हैं आप दोनों लॉयर है लगते नहीं है तो मेरी बहन ये कहती है क्या मतलब लॉयर्स की क्या फीमेल लॉयर्स की ऊँची

अच्छा तो तिर्ण ये तिर्ण हाँ ये की फैसलिटीज का क्या आपके इंस्टीट्यूशन में आपकी ये क्या हैं? मैं यही सोचती हूँ वाली चीज अगर हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना थोड़ा कोर्स का बदल जाए तो इससे भी हमारा मतलब कोर्स का और कचहरी का इमेज बहुत अच्छा हो सकता हाँ, है मतलब ये इशू हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अभी भी वीक है सीसी लग जाए हर जगह मतलब कचहरी में हर जगह सीसी लगे हों क्योंकि कचहरी में क्यों नहीं है सीसी मैं अभी तक ये बात पे हैरान होती हूँ क्योंकि ये नहीं ठीक बात जब हर जगह सीसी हैं तो एक कचहरी में सी होने चाहिए बेशक आप चैंबर्स के अंदर नहीं है हालांकि सबको ये कहना चाहिए जिसका

एक जब जितना ज्यादा सर्विलेंस होता है ना तो उससे ज्यादा ये है कि बंदा केयरफुल रहता है और हाँ सही बात है तो मुझे लगता है अकाउंटेबल जब आप होते हो और सर्विलेंस जब होता है जब ये दो चीजें होना कोई भी क्राइम मुश्किल ही है तो कोर्स में अगर ये चीज वहां से होगी और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा इंप्रूव किया जाएगा सफाई और रोड्स सॉरी मतलब जो स्ट्रीट्स बनी हुई हैं सब कुछ अच्छा होगा चैम्बर्स अच्छे तरीके से बने होंगे तो हर किसी को आने, आने में आसानी होगी वरना लोग यही कहते हैं आप कर दें हम नहीं आ सकते हम पैसे भिजवा देंगे मतलब उनको लगता ही नहीं कि होमली सा कोई एटमोसफेयर होगा तो ये चीज चेंज होनी चाहिए वॉशरूम है, हैं लेकिन वैसे वो ऐसे हाँ। खस्ता होगी कि बंदा ना ही जा सके है सही बात है अच्छा। उससे बेहतर है कि बंदा वॉशरूम के बाद भी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा इस से तो मतलब यही है अभी तो मैंने अपने बार वालों से कहा था कि प्लीज लेडीज वॉशरूम का करें बेशक आप चार्जेस रख दें उसके टेन रुपीज रख दें कि अगर कोई उसी टाइम कोई है जो उधर जेनेटर रखा हुआ है आपने तो उसी टाइम उसको दें और वो सर्विस करके दे बेशक पेड़ रख दें लेकिन साफ हो दस पंद्रह तो हर कोई दे ही देगा लेकिन मतलब ये चीज होनी चाहिए अभी वैसे क्या नॉर्मली क्या है फीमेल लॉय Female lawyers, लेकिन मैं बहुत कम देखती हूँ वो ज्यादा जब ये कोई गैदरिंग हो कोई सेमिनार हो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से काफी मैं देखती हूँ जो लॉर्स है उनमें काफी डिपार्टमेंट्स की तरफ से ये फीमेल लॉयर्स होती है क्योंकि मुझे लगता है उनको लगता है सेफ इवा गवर्नमेंट की जॉब इससे तो स्टेट की जो मैं लॉयर्स देखती हूँ उनमें काफी फीमेल हैं फीमेल्स हैं लेकिन जो कर उनमें उन डिवोर्स केसेज में देखे सिविल सिविल ज़्यादातर फैमिली जो भी डोमेस्टिक हैं वो उनमें देखी है मैंने अच्छा नैल आप जरा शिफ्ट करते हैं लॉ से डिजिटल मीडिया के ऊपर है तो क्या आपकी कोई फेवरेट कोलेबोरेशन के बारे में बताएं जो आपने एनी शूट और एनी प्रोजेक्ट जो सारी फेवरेट हैं कोई इस तरह से अब मैंने कभी सोचा नहीं कि जो मेरी फेवरेट हो लेकिन किस तरह का कॉन्टेंट क्रिएट करने में ज्यादा मजा आता है मुझे ऐसा कंटेंट क्रिएट करने में मजा आता है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि कोई मैसेज भी है और काफ़ी ऐसे होते भी हैं जिसमें कोई मैसेज भी होता है hmm. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे मैं कहती हूँ दो काम आसान हो रहे हैं अच्छा <laughs> तो, तो मतलब तो जिसमें तर... वो कहते हैं कि आप अपना लीगल अटायर में ही वो शूट करें और भी इस तरह से और तो मुझे वो वाला बड़ा अच्छा लगता मैं चलो दो, एक तीर से दो शिकार है तो वो चीज़ चीज़ लगती है। वो वाले मुझे और इनके ब्रांड को भी कर लूंगी तो ये चीजें मुझे अच्छी हो जाते हैं हाँ, तो टिपिकल तो डे नायला का किस तरह का होता है जहाँ पे मतलब भी कर हैं अपने कोर्ट भी जाने हैं वॉकस थ्रू टिपिकल डे इन योर लाइफ अच्छा ब्लॉगिंग का ये बात है ना कि वो आपकी डिस्कशन पे है सब कुछ मतलब उन्होंने ये नहीं कहना कि आप वो हमसे पूछेंगे कि आप मुझे कब कंटेंट दे सकते हैं तो वो मैं अपनी अवेलेबिलिटी देखती हूँ कि मैं किस दिन बना सकती हूँ और सब कुछ मैं वीकेंड पे बनाऊँ और मेरी मर्जी है मैं जहाँ मर्जी मतलब लोकेशन मेरी मर्जी की मैं अपने घर में बनाऊँ जिधर अपने फोटोग्राफर से बनानी है सारा सब कुछ मेरा अच्छा, मतलब पूरा क्रिएटिव डिपार्टमेंट आपने खुद समझा मतलब कोई कमर्शियल नहीं प्रोजेक्ट के वो कहेंगे आपने ये 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 करना है इधर आना है और हमारा फोटोग्राफर होगा और आपने ये करना है मेरी रिक्वायरमेंट्स है वो मुझसे पूछेंगे मैं कूँगी मैं स्लीवलेस नहीं पहनती तो बस नहीं पहनती

ये लग रहा होता है रियल में इतनी कोई लाइट्स नहीं, नहीं है इतना कोई प्रोफेशनल मेकअप नहीं है कि हम कपड़े पहनेंगे तो डिफरेंट लगेगा अक्सर ऐसा होता है ड्रेस पिक्चर्स में डिफरेंट है सामने बिल्कुल डिफरेंट है कैटलॉग में बिल्कुल अलग होते हैं जब रियल तो तो ये सब बहुत हुआ है, है। तो अब ब्लॉगर्स का वो देखते हैं ना जब तो वो कहते हैं कि ये ऐसा ही होगा क्योंकि ये भी नेचुरल है हमारी तरह सब कुछ लेकिन बहुत सारे ब्लॉगर्स रियल लाइफ तो दिखा भी नहीं रहे ना तो अब तो सोशल मीडिया पे भी नॉट एवरीबॉडी इज शोइंग क्योंकि ये ब्रांड्स ही अब आगे वही इसको प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेके जा रहे हैं ना अब वो भी यही कहते हैं कि नहीं जी प्रॉपर बैकग्राउंड हो प्रॉपर लाइट हो प्रॉपर सब कुछ वो भी अब डिमांड ये करते हैं तो कि तो भी एक और भी वो हैं के हमने मतलब कि प्रॉपर अपना फोटोग्राफर होगा क्योंकि कुछ ब्रांड ऐसे हैं उन्हें अभी भी बहुत परफेक्शनिज्म चाहिए और लेकिन ये कि अब मैंने अभी एक ब्रांड के साथ काम किया था तो वो मुझे बता रही थी कि मैंने पहले लाहौर जाके स्पेशल शूट कराया था मॉडल्स के साथ सब कुछ था पीआर आर कंपनी थी तो उन्होंने कहा मुझे उसमें कोई रीच नहीं आई थी उसने कहा लेकिन मैंने आपके साथ अभी किया है और मेरा कोई इतना कोई मॉडल फेस भी नहीं है मैं कूँ की मैं मॉडलिंग कर रही ये तो मैं भी <laughs> करूंगी और जो मॉडल मतलब का एक प्रॉपर है, है उनका एक अपना ही मतलब क्रिज्मा होता है तो मैंने कहा कि उस मैंने नॉर्मल शूट ही किया था उनके साथ तो उन्होंने कहा मुझे उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है और सब कुछ तो फिर मुझे यही लगा कि शायद यही वजह होगी कि लोगों को ये लगा होगा कि ये मतलब एक थोड़ा सा नेचुरल और कैंडिड है तो इसलिए लोग प्रेफर करते हैं उन ड्रेसेस को ऑर्डर

निकोटीन रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट नहीं करती क्योंकि वो भी अभी बड़े स्टार्ट हो गए ब्रांड उसको भी अब ब्रांडिंग की जा रही है उसकी भी पूरे और पूरे एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट किया जा रहा है उसका थ्रू वेब का और इस तरह से मैं उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर देती हूँ बेशक वो मुझे कहेंगे बजट बढ़ा देते हैं वो सब कुछ हुँ. तो मैं कहती हूँ नहीं कि मैं कभी भी अपनी पोजिशन क्वेश्चन नहीं करना चाहती किसी चीज में कि को कोई के, के आप एज अ लॉयर भी एज एन इन्फ्लुएंसर भी रिस्पॉन्सिटी है और मैं वैसे भी जिस चीज को अच्छा ही नहीं समझती उसको मैं कैसे प्रमोट कर दू तो मैं उस चीजों को हमेशा रिजेक्ट कर देती हूँ मैं कहती हूँ नहीं मैं नहीं बेशक क्रिप्टो का तो शायद चेंज हो जाए

हाँ, हमारे कल्चर में काफी ऐसी लड़कियां काफी ऐसी वो होती हैं जिनको चलो जो मिल रहे जैसे मिल रहे इसी पे हॉप ऑन करके और असल में पता भी नहीं होता ना सेंस भी नहीं होती कि इस चीज से क्या इमेज आ सकता है और क्या मतलब ये ब्रांडिंग क्यों कर रहे हैं वो मतलब किस किस वजह से और क्या नुकसान हो सकते हैं मैं आपको दूंगी आपका एक बिजनेस बैकग्राउंड भी है यू स्टडीड बेसिक्स तो आपको पता है कि जो कंपनी अप्रोच करिए उसको भी आपसे क्या गेन है वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू उसको पता है कि उसकी सेल्स एक्चुअल प्रोफिट में जाएंगी जब वो आपके थ्रू करें तो इसलिए मैं कहती हूँ ना किसी का फायदा उना नुकसान करूं करूँ रहे हैं तो कैंसिल कर दो हाँ। तो बस यही ठीक रहता है अच्छा तो ना, ना वैसे एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है विच इज़ ऑब्वियसली हमारी एक बहुत बड़ा सोसाइटल प्रेशर होता है कि शादी कब हो रही है मतलब लोगों को लो, लोगों को टेंशन लग जाती है ना तो आपको ये फेस करने को मिलता है या सुनने को मिलता है मुझे बहुत मिलता है बहुत ज़्यादा पहले तो बहुत ज़्यादा था अभी तो फिर भी चले अब मैं मेरी लाइफ सबको पता है कैरियर अब सब क्या कहते के हैं हाँ नाइला उसका तो वाकई वो जितने काम कर रही है ना उसका भी मुश्किल है शादी करना पहले तो अभी इतना नहीं किसी को नजर आता था मेरा कि मैं मेहनत कर रही हूँ इन चीज़ों में और पढ़ाई में भी और सब चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं मैं अपना कैरियर ढूंढ रही हूँ कुछ सोच रही हूँ कोई मकसद हो कोई चीज तो वो नहीं नजर आता था आप अपना मकसद सोचने में भी आपको टाइम चाहिए होता है आपको बड़ी मेहनत चाहिए होती है कि आपको मकसद क्या आपने करना क्या है और आपको नहीं समझ आ रहा होता कि लोग डिफरेंट बातें बता रहे होते हैं कोई कहता है बाहर चले जाओ कोई कहता है ये कर लो बचपन से दुआएं भी यही मिल रही होती हैं कि अल्लाह करे तुम्हें शेजादा मिले ये तो मिल पता नहीं हो दुआ ये तो मिलती नहीं है ना कि अल्लाह करे तुम शेजा बनो ये होता है कि शेजा मिले और वो तुम्हें शेजा बना या तुम्हें कोई मिनिस्टर मिले और या तुम्हें कोई कोई भी हीरो मिले ये नहीं बनाया जाता कि तुम मिनिस्टर बन जाओ अल्लाह करे या तुम हीरो बन जाओ मतलब ये दुआ नहीं मिलती मतलब चेंज करने की वही ना दिमाग में यही बिल्ड हुआ होता है कि कोई मिलेगा तो मैं कुछ बनूंगी शहजादी कोई शहजादा मिलेगा या कोई भी बिजनेस मैन मिलेगा मतलब की दुआ ही नहीं मिलती लड़की को बचपन से दुआ दुआई मिलती है कि वो ये ऐसा मिले जो तुम्हें ये बना दे और सब कुछ तो बचपन से इंसान हेल्पिंग हैंड ही सोच रहा होता है पहले बाप का होता है बाप में इंसान ये सोच रहा होता है कि कोई आएगा हस्बैंड आएगा तो वो हेल्पिंग हैंड होगा तो वो कुछ बनाएगा लाइफ में वरना मैं तो कुछ भी नहीं बन सकती दुआएं भी ऐसी मिल रही होती है लगता है जो दुआ है इसका मतलब इम्पोसिबल चीज है तो यही मिल जाए बड़ी बात है हेल्पिंग हैंड मिल जो मुझे तो कुछ बना फिर मैं दूंगी क्रेडिट आपके पेरेंट्स को दूंगी कि उन्होंने आपको इतनी लिबर्टी दी लीवरेज दी, दी इतनी अवेयरनेस दी और इतना सपोर्ट किया कि नायला जो करना है जाके करो क्या आ, पेरेंट्स का या... पेरेंट्स पे इतनी जल्दी नहीं था कि जो, ये सब कुछ है मेरा भाई बहुत ज्यादा था स्पोर्टिव वो माशाल्लाह से अभी भी, भी बहुत ज्यादा स्पोर्टिव है और क्योंकि वो ये कि उसकी ग्रूमिंग ऐसी हुई थी उसने पढ़ाई वगैरह उसने भी बहुत की और वो हमेशा से मुझे देखता भी था वो मुझे हमेशा ये कहता कहते हैं मैं तुम्हें यूनिफॉर्म में देखता हूँ ना सुबह सुबह मुझे तुम पर बहुत प्यार आता है तो क्या मेरा ये कालक का यूनिफॉर्म है तो फिर भी स्टिल वो मुझे कहता है कि इंस्टाग्रामिंग भी मेरी बहुत पसंद है उसको भी बहुत ज्यादा हमेशा अप्रिशिएट करता है तो और अपने दोस्तों को भी कह रहा होता है जब भी वो अपने बच्चों की बात करते हैं कि कैरियर का, तो वही कहता है कि मैं उनको ये कहता हूँ आप अपनी बेटी को वकील बनाएगा क्योंकि मैंने अपनी बहन को चेंज होते देखा है इतना ज़्यादा क्योंकि मैं भी बड़ी शायद थी और कोई डिसीजन ही नहीं ले सकती थी लाइफ में तो ये है कि अब मैं बहुत चेंज हुई हूं और मुझे लगता है कि इस डिग्री ने मुझे चेंज किया है बाकी डिग्रीज आपको चेंज नहीं करती हैं इसमें आपके अंदर एक आता है चेंज आप स्ट्रॉन्ग होते हो गई ना के। और एक वो डिसीजन, हुँ। डिसीजन हुँ। मेकिंग और वो तो ऑब्वियसली हाँ, डिसीजन मेकिंग आपके अंदर ये आ जाती कोई फट्डेबाजी लोग ये भी सोचते हैं कि ये तो शायद बड़ी तेज होगी होगी ऐसा कुछ नहीं है मैं तो मजीद काइंड ही हुई हूँ इस डिग्री से ये कि लेकिन एक डिसीजन मेकिंग एक अपने अंदर आप कंटेंट हो और आपके अंदर आप ये नहीं सफिशिएंट फील करते हो अपने साथ ही आप ये नहीं सोचते कि अब कोई और होगा तो मेरे लिए कुछ करेगा कुछ करेगा मतलब आप तो शादी वाला तो प्रेशर बहुत मेरी अम्मी कहती थी तुम मैंने कहा या मसला तब वो मेरे रिश्ते ना आ रहे हो तो तब टेंशन की भी बात कौन है। है। एक तो लड़की भी इतनी प्यारी और ऊपर से तो टेंशन की बात चीज़ पहले हमेशा ऐसा होता है जहां जा रहे हैं रिश्ता आ रहा है सब कुछ है तो मैंने कहा फिर आपको टेंशन किस चीज़ किया जब आप कहते हैं है बस एक जिम्मेदारी है ये खत्म होनी चाहिए तो मैं तो टेंशन क्यों है आपको मतलब टेंशन तो नहीं लेनी चाहिए ना कि टेंशन तब वो जब रिश्ता ही ना आ हो कि बेटी को कोई मुंह ही नहीं लगा रहा हो तो टेंशन की बात है मैंने सामने जितनी ज्यादा मेरी एज हो रही है उससे ज्यादा डबल रिश्ते आ रहे हैं अलमदुल्ला तो मैंने कहा आपको क्या टेंशन है बीमा कितनी असल में मुझे लगता है तुम्हारा किसी ने कोई जादू किया हुआ है और सब कुछ मेरा इतना दिमाग फिर मुझे कहती है एक पीर के पास जाना है एक मैंने कहा पीर अच्छा। के पास मैं कहा मैं तो नहीं जाऊंगी मैंने जिंदगी में हमेशा एक चीज़ सोची हुई है कि नमाज बेशक चलो नहीं पढ़ सके टाइमली पूरी नहीं पढ़ सके लेकिन क्यामत वाले दिन मैं अल्लाह के साथ ये कहूँ कि अल्लाह ताला मैंने मतलब एक चीज़ पे स्टैंड करूँ कि नहीं कभी किया मतलब किसी और चीज के पास नहीं गई कुछ मांगने मतलब एक चीज हो जिसको मैं स्टैंड कर सकूँ अल्लाह ताला के सामने तो मैं मैंने कहा तो नहीं जाना पीर के सामने पास मैंने कहा कितनी नहीं वो बहुत नेक इंसान है वो तुम्हें अल्लाह का बताएंगे या तुम्हारा मैंने कहा क्यों मेरे रिश्ते तो आ रहे हैं फिर क्या मजा है कहती लेकिन जो तुम्हारा दिल नहीं करता वो भी किसी ने कोई जादू किया किसी ने दिल कंट्रोल किया हुआ है कोई ऐसे हुआ हुआ है बहुत मामा की इस तरह से लेकिन वो फिर सब कहते थे माँ ऐसा ही सोच दिया है वो सब कुछ जिस दिन मेरी माँ नहीं सोचेगी मेरी टेंशन नहीं लगी मुझे भी बुरा लगेगा कि आप मेरी फिक्र नहीं कर रही फिर मैंने सोचा मैंने कहा लेकिन मामा मैंने पापा से पापा का फोन आ गया फिर अब पापा का तो से बात है पापा इस की कोई बात करते ही नहीं है उन्होंने कहा कि अभी आपकी कह रही है तो हो सकता आप देख लो जाके कहा बाबा माँ बाप से बड़ा तो वली कोई भी नहीं है ना माँ बाप से बड़ा मैंने तो नहीं देखा सुना कि कोई वली हो और मेरे माँ बाप इतने नेक भी हैं मैंने उनको देखा है नमाज पढ़ते सब कुछ तो आप लोगों की दुआएं सबसे बड़ी हैं ना तो फिर मैं उधर क्यों जाऊँ तो कहते नहीं आप अल्लाह के लोगों के पास भी जाते हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं सब कुछ वो आपको जो बताएंगे आप पढ़ लेना सब कुछ मैंने कहा अच्छा ठीक है बड़ा मुंह बना के मैं गई और सब कुछ अच्छा, और सुबह सुबह इतना जाना था मैं गई भी और फिर गई तो दोनों ने वैसे उनको भी लग गया कि मैं बहुत रूढ़ हूँ और सब कुछ उनके साथ मेरा बिल्कुल भी मेरी एक वो ही नहीं बन पा रही थी ना उनसे जो भी पूछे है। कि ऐसा वैसा चीज वो सब कुछ है मैं गई और उनकी खुशी के लिए गई तो मतलब मैं ये बता रही हूँ फेस करनी पड़ती और कितनी मतलब यानी कि मैं कोई फैमिली से ऐसे हूँ तो मेरी ये चीजें नहीं है मेरी मदर को भी ये चीजें हैं वो ये कहती हैं कि जी पीर के पास जाओ ये करो वो करो तो ऐसी बहुत सी चीजें देखें हो गए बहुत ज्यादा फिर बीच में एक नई स्टोरी भी थी कि जी मेरा जो नाम है शायद उसका असर ठीक नहीं है मैंने कहा <laughs> अच्छा मैं खुद भी थोड़ा वो डबल माइंडेड होगी उन्होंने कहा शायद ये जो नाम है ना इसमें तुम्हारी शादी का एक वो मैरिड लाइफ नहीं है अच्छी है या कुछ इस तरह से तो तुम्हारे नाम का असर तो वो है मैंने वो आधी से ज्यादा मतलब पूरी ज़िंदगी नाम के साथ मेरे अंदर एक दिमाग में बात भी है कि ना कि जब मुझे कहीं पता चलता है किसका नाम ना ही तो वो पूछती हूँ उसकी मैरिड लाइफ कैसी मेरे इतने दिमाग में, में मैं डबल माइंडेड हो चुकी हूँ मैं सोचती हूँ मैं कहती मैं जरा पूरा डाटा बनाऊँ सर्च करूँ नायला नाम की लड़कियों का कितनी उनकी मैरिड लाइफ देखूँ और फिर कोई मैं मैं तो भी नहीं सोचा कि मैं अपना नाम बदलूँ लेकिन मैं क्या करूँ मतलब इस बहुत सी चीज़ें आती हैं कि बंदा कहता है कि क्योंकि आप जो मर्जी बन जाओ ना लड़की की शादीशुदा लाइफ और उसकी औलाद ही उसको एक अच्छी मतलब कामयाब कामयाब औरत औरत वो भी औरत के मैं कहुंगी? हमारी सोसाइटी ने एक वो उसको रैंक दिया जिसके जितने बेटे हैं वो सबसे कामयाब औरत है और वो सबसे अच्छी मतलब ये जिंदगी में आगे है और मतलब सबसे मैं उसका जिसके और जिंदगी है ये हमारे यहाँ सोचा जाता है तो शायद इस वजह से भी एक है एक्सपेक्टेड शादी और बच्चे ये चीज़ें औरत उस चीज को लेकिन At some point, जब अल्लाह जिस टाइम पे राइट टाइम hmm. सही बात right है मैं तो ये सोचती एज में आके डिग्री की तो मैं अभी सोचती हूँ कोई राइट टाइम नहीं होता लो मुझे लोग हो बोलते हैं है, मन को कहती हूँ कि तुम लॉ कर लो या तो कहते हैं मुझे ऐसा लगता है राइट टाइम वही होता है जब आप कुछ करके करने फेट वाली चीज हमने आप फेल भी हो रहे हो चीज में तो कोई बात नहीं है दो तीन साल भी जाया हो रहे ना कोई बात नहीं है आपके पास बहुत मैं इसलिए लंदन करना चाहिए ना फील भी नहीं होते हाँ। और बंदा कहता है कि शुक्र है चलो हाँ। उससे गुजर के कुछ सीखा ही है ना तो वो चीज वेस्ट वो नहीं है सही बात है मैं ये कहती हूं कि आप अब एक पोजीशन में मैं हूं ठीक है उधर से मैं अब निकल गई हूं वो जो लोग थे वो सब अब खत्म हो गए वो मैं वहां से निकल गई हूं ठीक है अब मैं दूसरी पोजीशन में आ गई हूं ठीक है वो वो चीज तो कहीं भी याद नहीं है लोग भी याद नहीं जो मैंने वहां से गेन किया बस मैं हूँ ही हूँ इसका मतलब मेरी ही स्टोरी है और मैं ही हूँ सब कुछ तो ये के लोगों को इतना सोचना नहीं चाहिए क्योंकि वो तो आगे नेक्स्ट फेज में नहीं है ऐसे ही है और अपनी स्टोरी आप और और वो वो स्टक आपको ऊपर जाते देख के सोच रहे हो और फिर जो थोड़े टाइम के बाद बिल्कुल भी हो जाएंगे आप माशाल्लाह से ग्रो कर गए आप इवॉल्व कर गए आप आगे बढ़ गए सही बात है फीमेल्स के लिए मुझे लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई रोल मॉडल हो जिसको देख के बनने का दिल करे ना मे भी ऐसे hmm. कपड़े पहनूँ इसने ये करियर hmm. किया ये ये पावर है hmm. इसके पास तो मैं भी इन कल को इस पॉइंट तक पहुँचूँ hmm. तो एनी फीमेल हु हैज़ इंस्पायर्ड यू जिनको आप hmm. मुझे मैम आसमा जहांगीर जो माई लॉयर थी वो hmm. मुझे बहुत पसंद है और इंस्पायरेशन है मेरे लिए कि मतलब वो बहुत बोल्ड और वोकल थी yes. वो किसी से मतलब ये नहीं होता था किसी के दबाव में आ जाएंगी या कुछ इस तरह तो से लड़की होते हुए और मैम का शुमाला

वो कहती थी, थी आप लोगों ने केसेस में बैठने हालांकि काफी केसेस सेंसिटिव होते थे तो उनको मैम को बोला जाता था कि आप ऐसे बाकी लॉयर्स को ना बुलवाए मैम कहती थी नहीं ये सब यंग यौ, यंग लॉर्स इतना बैठेंगी क्यों सेंसिटिव केस है तो इनको पता होना चाहिए कि, कि क्या क्या एक्सपेक्ट्स हैं क्या क्या मैटर्स हैं जो हाईलाइट हो सकते हैं सब कुछ तो वो चीज़ आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग करती है और फिर मैम हमसे पूछती थी आप लोगों को क्या लग रहा है इस केस में हालांकि कौन पूछता है और मैम उस विक्टिम को भी बहुत ज्यादा हौसला देती थी ना वो मैम कहती थी ना अच्छा कहती थी मुझे ना इन्होंने ऐसे वैसे मैसेज किए मैम कहती कैसे कहती मैम मैं बता नहीं सकती मैम कहती क्यों बताओ कैसे मैसी मैम ने कहा जब करने वाला नहीं डरा तो तुम उसको वो जिस जिसके साथ हुआ है वो डर रहा वो शरम, है वो शर्म शर्मिंदा है क्यों तुम्हें तो शर्म नहीं आनी चाहिए तुम बताओ इसने क्या मैसेज किया तुम्हें अच्छा सबके सामने तो फिर वो उसको भी कॉन्फिडेंस भी फील होता था, था। और सब सबको वरना तो लोग ऐसे डरते थे कि शायद हम ही बुरा ऐसा इमेज दिया जाता है ना जिसने हाँ। केस किया वही बुरा है जी कि कि जिसने कुछ और जो विक्टिम होते वो बेचारा शर्म है जैसे आप कह रही वक्त उधर जाके आपको इतना कोई हौसला अफजाई तो होती नहीं है तो लोगों को लगता है ये लेकिन हम लोग भी बड़ा इंकरेज करते थे उन लड़कियों को जो आई है और सब कुछ तो उनके साथ ज्यादा बल्कि मैम उसको ज्यादा एक प्रोटोकॉल इज्जत मिल रही होती थी और भी जो जो भी रिस्पॉन्ड

Ministry में दोस्त थे उन लोगों ने बताया तो फिर मैं थी थी। थी। और यह था कि हमें नहीं पता था कि कोई डिपार्टमेंट्स हैं इस्लामिक जो कौंसिल है शरिया कौंसिल है वो सब डिपार्टमेंट्स के अंडर ही आते हैं बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स रिलेटेड है चाइल्ड राइट्स रिलेटेड है लेकिन किसी को कोई आइडिया नहीं कितनी ज्यादा ये बनी हुई कम्यूनिटी तो यही कहूंगी कि आप एक रोड से आपको नजर आते बहुत बड़ी बड़ी सरकारी ते खड़ी हुई लेकिन उधर हो क्या रही है इनका नाम के? हम को नहीं है। और को बिल्कुल भी नहीं किया जाता ना ये तो फिर इस्लामबाद है ना एक छोटा एरिया है बड़े एरियाज में तो मुझे लगता है वो हरेसमेंट को कोई नहीं समझते छोटी मोटी बात है इसलिए तो कैट कॉलिंग और हेरासमेंट को इतना हाईलाइट ही नहीं किया जाता कि हमारे पाकिस्तानी वो याद नहीं जो जाके उन्होंने की थी कोई बड़ी एम्बेरसिंग से पाकिस्तान क्योंकि वो समझते नहीं कैट कॉलिंग कोई बुरी चीज है, है या हेरासमेंट कोई बुरी चीज है लेकिन बाहर तो ये क्राइम्स में आता है बहुत बड़े तो इधर बस समझा जाता है कि फाइन कर दो जी हैरेसमेंट हुआ है और क्या या बस रफा दफा कर दो इस तरह से तो इसको इस तरह से नहीं करना चाहिए अच्छा नाइना अब हम आपको देखते हैं माशाल्लाह से यू ऑलवेज ड्रेस्ड अप बिल्कुल ओकेजन के हिसाब से आपने अपना पूरा अटायर किया होता है पूरी आपकी लुक होती है तो बचपन से ही शौक था या बचपन में टॉम बॉय थी या मतलब नहीं नहीं बचपन से मुझे शौक था मैं बड़ी मैचिंग एसेसरीज पहनती थी और सबको मैं अभी भी अपनी पिक्चर्स देखती हूँ तो मैं बड़ा हमेशा से वेल ड्रेस रहती थी और मुझे ऐसा लगता है लाइफ में जो कुछ परसेंट मेरा लाइफ में जो मुझे मिली है अचीवमेंट्स वो मेरी ड्रेसिंग की वजह से ही मिली है मतलब जो मैं मतलब हमेशा हर जगह जाके मतलब मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस भी फील किया और लोगों का भी एक कहीं ना कहीं आप सब कॉन्शियस लोगों के दिमाग में अपना इन्फ्लूस छोड़ रहे होते हो जब आप वेल ड्रेस होते हो तो इसलिए ड्रेसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी चीज के लिए ड्रेस होकर जा रहे हो ना तो इसका मतलब आपने पहले से आपको पता होना चाहिए कि आप अचीव करके आदि से ज्यादा आपका काम हो गया हाँ

है नहीं फैशन आपने अपना एक हाँ, बनाया मतलब आप ये क्या हाँ, मतलब वही है कि जो मुझे खुद अच्छा लग रहा होता अच्छा है देखे जो कलर्स और वही चीजें तो इस तरह से कोई एक्स्ट्रा नहीं मैं मतलब डिफरेंट ट्राई बहुत कम करती हूँ कुछ ट्रेंड ठीक है वैसे तो आपकी बहुत बिजी लाइफ है लेकिन अगर कोई फ्री टाइम मिल जाए तो किस तरह से टाइम गुजारती हैं मैं फ्री टाइम तो फैमिली के साथ ही स्पेंड करती हूँ क्योंकि प्राइमरी स्टिल हमेशा मेरे लिए रिलेशन ही हैं जो चीज़ प्राइमरी है मेरी लाइफ में वो रिलेशन हैं और फैमिली है सेकेंडरी है मतलब कैरियर है इंपॉर्टेंट मैं ये नहीं कहती लेकिन प्राइमरी चीज़ों में मेरे रिश्ते ही आते हैं मेरे लिए और मतलब यही चीज़ है जिसके लिए मैं कुछ रिस्क कर सकती हूँ वरना अगर कोई लीगल मेरा कैरियर या इंस्टाग्राम कुछ है तो मैं इसके लिए कभी कुछ रिस्क नहीं लूँगी या कोई रूल ब्रेक नहीं करूँगी लेकिन जो अगर मेरी फैमिली है तो कोई रूल ब्रेक करना है या कोई रिस्क लेना है तो मैं फैमिली और लव के लिए ही करूँगी वरना नहीं

चलिए ये तो एक ऐसा केस था जो सोशल मीडिया पे हर जगह था लोग इसको भूल नहीं रहे थे इस तरह से मैं ये सोचती हूँ कि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं ये है कि हम एलीट क्लास केसेस को ज्यादा सपोर्ट करते हैं और हमारे यहाँ औरतें निकलती है सब चीजों के लिए आवाज उठाती है लेकिन एलीट क्लास केसेस को जो वैसे ही सामने आ गए उसको कोई रिसर्च भी होनी चाहिए केसेस में जैसे अभी ये एक केस है जी इलेवन में ही हुआ था बाद में उसमें वो जो फादर था उसने खुद अपनी बच्ची का रेप किया था और मेट्रो स्टेशन में वॉशरूम मतलब मेट्रो स्टेशन वो अंडर कंस्ट्रक्शन था अभेश जी इलेवन वाला लेकिन स्टिल एक वर्किंग में जगह है और सब कुछ उसके वॉशरूम में उस बाप ने अपनी बेटी का रेप किया छोटी सी बेटी का और उसको भी मर्डर भी कर दिया बाप ने और फिर कंफेस भी कर लिया तो कह रही जब कन्फेशन हो हुँ। जाती है और सब कुछ हो जाते हैं जब फैक्ट सामने होते तो फिर लेकिन आने में टाइम लगता है प्रूव करने में टाइम लगता है मुझे मेरी दोस्तें पूछती हैं अक्सर केस हो तो वो कहते हैं ये क्या बात हुई उस, सब कुछ तो हो गया पता चल गया उसने किया तो फिर क्यों नहीं पर हर किसी का राइट है मतलब ट्रायल जो है वो राइट है अगर किसी ने गुना किया भी है उसको मौका मिलना चाहिए सफाई का कि उसकी जस्टिफिकेशन का उसको लॉयर वो नहीं भी होना कोई लॉयर ये भी कहना मैंने इसका केस नहीं करना लेकिन फिर भी उसको लॉयर देंगे कोर्स मतलब गवर्नमेंट क्योंकि ये हर किसी का राइट है फेयर ट्रायल हर किसी का राइट है क्योंकि आप ये एक, एक बंदे ने कन्फेस कर लिया है या उसके हाथ में चाकू था तो ये नहीं चीज प्रूव हो जाती किसी ने मर्डर की है Hmm. क्योंकि कभी कबार बहुत सी चीजें होती हैं ऐसे इस केस में नहीं मैं कह रही hmm. कुछ केसेस में ऐसे होते हैं कि लोग आपको फ्रेम कर रहे होते हैं चाकू आपने पकड़ा हुआ है और साथ डेड बॉडी है तो आप सामने आए आया डायरेक्ट एविडेंस है इसी ने और ये कन्फेस भी करा है hmm. कुछ चीजें होती हैं कभी है। लोग आपको फ्रेम कर रहे होते हैं कोई प्रेशर हो सकता है तो फिर ट्रायल जरूरी है इसलिए hmm. क्योंकि बहुत सी चीजें हैं और भी एक्सपेक्ट्स हैं और फिर ये है कि ट्रायल के एक स्टेप्स हैं ये नहीं कि एक बंदा आया और उसको कहेंगे चले ओके जी जैसे ड्रामो में दिखाते हैं तो मैं सजाए मौत ऑर्डर ऑर्डर उसी वक्त और की वजह से लेकिन जो ट्रायल है उसमें

पहले कोर्ट ने तो उसको ये है कि डेथ सेंटेंस अनाउंस कर दिया उसके लिए तो अब उसने अपील करनी थी हाई कोर्ट में क्योंकि तो, ये एक स्टेप्स हैं अच्छा को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो टाइम लगता है एप्लीकेशन आती है फिर आपसे जवाब मांगते हैं जवाब के बाद आपका आपके अपना ये है कि एविडेंस जमा कराते हैं एविडेंस के बाद विटनेसेस जमा कराते हैं विटनेसेस के बाद उनका क्रॉस होता है क्योंकि जो लोग जो कह रहे हैं जो लिखा हुआ है इसमें उनका एफिडेविट में बयान है वो ठीक है कि नहीं और उन्होंने सही बात की है कि नहीं क्रॉस के बाद आप देखें ना इतने स्टेप्स हैं उसके बाद फिर फाइनल आर्गुमेंट है hmm. फाइनल आर्गुमेंट में फिर बीच में ऐसा होता है एक विटनेस बीमार है आ नहीं सका इस तरह की चीज़ों की टाइम इन चीजों में लग जाता है क्योंकि फेयर ट्रायल भी तो कोई चीज है ना कि ऐसे तो नहीं एक फैक्ट आया उसको कर दिया उसको प्रूव भी तो करना है तो ये चीजें फिर अब उस सजा के खिलाफ वो अपील पे गए कि नहीं जी अपील हाई कोर्ट लेके गए थे लेकिन हाईकोर्ट ने भी उनकी अपील एक्सेप्ट नहीं किया है हुँ. और डेथ सेंटेंस को ही उन्होंने मतलब मेंटेन रखा है हुँ. तो यह कि अब ये भी थोड़ा मसला है कि 2003 से और 2005 से 2014 तक हम लोग डेथ सेंटेंस जो है वो उस पर टेम्परेरी होल्ड था

क्यूर करेंगे अच्छा। लेकिन जहां तक मुझे पता है

चलो थोड़ा हेल्प आउट कर दो या सपोर्ट कर दो या ठीक है भैया अपना अपना काम करें अच्छा मैं सबके एक्सपेक्ट से तो नहीं कह सकती क्योंकि वही वाली बात है हर किसी की स्टोरी भी डिफरेंट है और मैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ तो मुझे सबका मतलब हमेशा बड़ा इंकरेजिंग एटीट्यूड लगा जजेस का भी लॉयर्स का भी हाँ। सबका के सब बाकी लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है और सब प्रॉब्लम्स हैं सब चीज़ें लेकिन मुझे हमेशा डिफरेंट ही लगा है शायद हर कोई मुझे बोलता है कि तुम बहुत पॉजिटिव हो लेकिन मैं कहती हूँ पॉजिटिव नहीं मेरे साथ ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस है मेरी अपनी और मैंने ये खुद फेस की हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो मतलब मेल लॉयर्स का स्पेशली सीनियर से सीनियर लॉयर हैं तो वो आपके साथ आप बाहर खड़े हुए व्यव फाइल्स पकड़ के तो वो कहते हैं मैम आप ऑफिस में बैठ जाए वेट कर लें या किसी कोर्ट में आपने जाना है या कुछ तो मतलब बड़ी रिस्पेक्ट है सीनियर और लॉयर्स की स्पेशल कम्यूनिटी में वैसे भी बड़ी यूनिटी है तो ये चीज़ तो मुझे बहुत पसंद है कि मतलब अगर आपका कोई केस है या कुछ तो हर लॉयर कह रहा होता है कि कोई हेल्प चाहिए तो बताएं और सब कुछ हम आपके साथ चल पड़ते हैं या आप उधर नहीं हो उस टाइम पर तो आप किसी लॉयर को कह दो आपका कोई काम है तो वो फ़ौर हमेशा ये है करते हैं मतलब दिल से तो बड़ा फ्रेंडली सा मुझे साउंड हाँ, दिस इज बहुत ज्यादा लॉयर्स मुझे ऐसा लगता है मतलब मेरे दूसरे लॉर्यर्स के मुझे मैसेज आते हैं कि आप इस कोर्ट में आए या कुछ हुआ तो आपने बताने मैडम और सब कुछ तो मुझे और इतने सीनियर लॉयर्स होते हैं उनके पास इतना टाइम तो नहीं होगा या कुछ इस तरह से या कि वो कोई सोशल गैदरिंग के लिए तो कर नहीं रहे या सोशलाइजिंग लिए वो यही चाह रहे हैं कि हम अपने लॉयर्स के लिए कुछ करें या सब कुछ तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉयर्स एक दूसरे के लिए मतलब अच्छी तगड़ी कम्युनिटी है कि सीनियर हो गए तो जूनियर को समझें जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स में मैंने देखा है सीनियर जूनियर को भी समझ ही नहीं रहा इधर ऐसा नहीं है जूनियर को मतलब बहुत ज्यादा इंक्रेज किया जाता है और वो कोशिश करते हैं कि कोर्स आए और लिटिगेशन करें और जजेस के सामने अपनी पेरेंट्स दें और सब ये नहीं कि बस फाइल पकड़ी हुई और बस ड्राफ्टिंग करो और बस पर कुछ लोगों की हैं, डिफरेंट हर किसी का ये लेकिन अपनी जगह खुद ही बनानी पड़ती है मुझे लगता है अपनी जगह बनानी चाहिए इंसान को और अगर इंसान खुद अच्छा होना ना है मुझे एक्चुअली लगता है कि अगर आप खुद अच्छे हैं तो आपके लिए बाकी लोग भी अच्छा ही करेंगे क्योंकि एक तो आपको अट्रैक्ट करे दूसरा अगर आप किसी को तंग नहीं करें तो लोग भी आपको कम ही करेंगे

नहीं मतलब उस से मेरा कभी मसला नहीं हुआ मतलब मोबाइल में और ऐसा कोई मसला नहीं हुआ कि मैं कभी अनसेफ फील करूँ मुझे तो कोर्स में हमेशा कहती हूँ कि मेरा घर है मुझे मैं उनको मैं नहीं कहती कि कोई चीज है मुझे तो, है। मुझे तो अपने गहर, अपना गहर लगता और सेफ प्लेस सेफ है राइट अच्छा नाइना अगर ऑप्शन मिले कि टाइम ट्रेवल रिवर्स में जा रही हैं <laughs> अपनी जिंदगी का कोई फेस कुछ बदल सके कुछ चेंज कर सके एक फेज़ था जिसको मैं खत्म करना चाहूँगी ओके <laughs> वो उसको लेकिन उस वो मेरे लाइफ का मतलब मेरे लिए मतलब एक था मतलब ब्रेकडाउन था इमोशनल ब्रेकडाउन जिसमें मेरी मेंटल हेल्थ बड़ी इफेक्ट हुई थी और यह है कि वो उस फेज को मैं खत्म करना चाहूँगी लेकिन यह है कि फेलर से भी मैं कहीं ना कहीं सोचती हूँ कि मेरे मतलब जितने मेरे अंदर लाइट आई है मेरे अंदर तो वो सी वजह से शायद आई होगी जब आपके थोड़ा ब्रेक होता है ना तभी लाइट अंदर जाती है वरना तो सब चीजें बंद है नहीं कैरियर तो तब अच्छा, था ही नहीं एक इमोशनल अच्छा, मतलब अच्छा, होता अच्छा, है कि आप जब फील करते हो जैसे सब जो आपके देना वो आपके साथ कोई भी नहीं है आप अकेले ही हो अच्छा मतलब एक ऐसा जवाल हर किसी की लाइफ में आता है जवाल की टाइप्स हो सकती हैं डिफरेंट कोई फाइनेंशियल लॉस होता है किसी का इमोशनल लॉस होता है काफी लॉसेस तो हर किसी की लाइफ में तो मेरा भी एक लाइफ में था ऐसा मतलब उस टाइम पे मैंने देखा कि मेरे साथ कोई भी नहीं था हर टाइम लोग होते हैं सब कुछ होता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका जवाल आया ना एक दफ़ा लाइफ में तो कोई इंसान ही होगा चाहे आपके जितने कॉन्टैक्ट्स हैं जितने दोस्त हैं जितने प्यारे हैं कोई भी नहीं होता उस टाइम पे आप और फिर अल्लाह ही होते हो तो आपको तब अल्लाह के साथ आपका रिश्ता मज़बूत बनता है और वो मेरे लिए लर्निंग थी तब मुझे समझ आए कि वाकई ही मैं भी पहले भी बड़े ऐसे थी हर हर बात पर रोना आ जाना सब कुछ और उस चीज मुझे इतना स्ट्रॉंग किया कि अब मैं बहुत स्ट्रॉ मैं अब नहीं रोती हूँ वरना मुझे किसी ने कुछ कह दिया मैं रो पड़ी इस तरह की चीजें लेकिन उस चीज में इतना स्ट्रॉंग किया कि अब मुझे अल्लाह के सामने अब बस रोना आ जाता है और किसी के सामने मैं नहीं रोती हूँ मैं हर किसी को कहती कि हूँ किसी के सामने रोना नहीं चाहिए कोई फायदा नहीं है क्योंकि रोना मतलब आपको वीक तो चलो वो बुरा नहीं है रोना अच्छी चीज है आप इमोशन शो कर रहे हो आ रही होती है लेकिन यह है कि जब आप अकेले होते हो आप सब देखते हो सबको क्या आप हालांकि भाई में सब बता रहे होते हैं कि नहीं हम तो इधर ही थे तुम्हें क्यों नहीं ऐसा फील हुआ लेकिन आपको फील हो रहा होता है जैसे सब बदल गए और सब कुछ है और कोई आपके साथ नहीं है और आप मतलब आपको सबने अकेला कर दिया और बस लाइफ कुछ भी नहीं है और आप बस आप ही आप हो और बस लाइफ खत्म हो जाए बस काफी है अब मैंने मजीद नहीं जीना और सब कुछ ऐसा टाइम आता है लेकिन यह है कि शुक्र है कि वो टाइम खत्म हो गया और सब कुछ मैं उस डिप्रेशन से निकली डिप्रेशन होता है इंसान को और बेशक आपको सारी दुनिया बोल रही है आप बहुत प्यारे हमें बहुत पसंद है हमें आप ये वो सब कुछ लेकिन आपको कुछ नज़र नहीं आ रही होती चीज़ें पता नहीं ऐसा वो कोई टाइम होता है कि आपको कुछ नजर ही नहीं आ रहा होता मैं वही सोचती हूँ कि अक्सर में लोग कहते हैं ना उस एक्ट्रेस को डिप्रेशन हो गया उसको तो वो लोग कहते हैं उसके फैन उसको कैसे डिप्रेशन हो गया अल्लाह मेरे सब कुछ लेकिन वो चीज़ नजर नहीं आ रही होती वो एक टाइम आता है आपका जिसमें आप बिल्कुल अपना वो आपको शायद मैं मतलब क्योंकि साथ अप डाउन साथ आते हैं तो वो एक टाइम ऐसा हर किसी की लाइफ में आता है जिसमें वो ये फील करता है कि उस वो अकेला ही है और ये चीज़ें हैं तो फिर

लोग बहाना बना लेते हैं दस हाँ हजार चीजों को हमने बहाना बना लिया होते कुछ ना करने के लिए बट दिस इज द स्पिरिट दैट वी दिट टू सेलिब्रेट इन नॉट एवरी वुमन की हर औरत बहाना नहीं बनाती हाँ, हर औरत एक्सक्यूजेस का वेट नहीं कर रही होती गिव अप करने हाँ, के लिए सही बात है कुछ औरतें उठती हाँ, हैं करती हैं उसे बाहर निकलती है औरतें बल्कि ज्यादा जल्दी उठती हैं और सब कुछ और औरतों के मतलब वही मैं कहती हूँ लोग ये चीज तो होनी नहीं चाहिए कि इसके साथ ये हुआ है इसलिए ये ऐसी हो गई बेचारी आपको डिजाइन ना करें आप खुद चूज करो कि आपने क्या बनना है

तो जहां इतना प्यार मिलता है वहाँ कहीं कुछ ना कुछ हेट कॉमेंट्स भी आते होंगे कुछ ऑफेंसिव बातें भी हाँ। होती होंगी तो उससे किस तरह डील करती हैं या वो भी नहीं अफेक्ट करते हैं अब नहीं उनको मैं मुझे इतना उनसे कोई मसला नहीं होता वैसे <laughs> मुझे मतलब क्योंकि मुझे पता है उनके लिए बहुत आसान है इस तरह से कुछ भी लिख देना और वो मतलब उनकी मैं बात सोचने बैठूँ तो फिर तो इस तरह से मैं कब अपने रियल लाइफ लोग भी अगर कोई मुझे मशवरा दें तो मैं उनको भी अगर कोई अच्छा मशवरा है और प्रोडक्टिव है तो ठीक है लेकिन ऐसी जो लोग ऐसी हवा में जो बातें करते हैं मुझे नहीं पसंद आती बात थैंक यू सो मच और कोई कहे कि तुम्हें अब ये कर लेना चाहिए तो मैं वो कर लेना चाहिए इसमें कब तक तुम ये करोगी वो करोगी मतलब मशरूम का कोई फ़ायदा नहीं है ना जब तक आप आप मेरी आप तो नहीं मेरी स्ट्रगल देख रहे ना आपको नहीं। तो नहीं पता मैं किस चीज़ को कितना टाइम दे रही हूँ तो लोगों की मतलब मैं मशरूम में मैं इतना नहीं चलती और से ना इन मशरूम पे भी नहीं चलती लोगों के और ना लोगों की नेगेटिव ये कमेंट्स मुझे अक्सर लोग खुद बता रहे होते हैं आपके नीचे ये कमेंट आया हुआ था आपको पता है कहती हूँ मैंने उधर नहीं पढ़ा तो तुम लोग मुझे इधर आके बता रहे हो कि ये कमेंट आया हुआ था ये कुछ भी काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं मतलब मेरे पेरेंट्स में आप जितने भी मतलब पेरेंट्स में लोगों ने आपके फिर भी कोई ना कोई मसला निकाल दिया तो मैं ये बोलते हैं आप आपके पास इतने पैसे हैं तो अपने दान सीधे कर आ लें मैं कहती हूँ अल्लाह

साइड पे रखे पर रख मतलब हाँ हम बोल दो बोलते हैं असल में मैं बोलती भी बहुत तेज हूँ और मेरा पता नहीं इंप्रेशन क्या आ रहा होता है चाहे जब मैं बोलूंगी तो मेरा कोई ब्रिटिश एक्सेंट होगा पता नहीं क्यों एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं मैं प्रॉपर देसी बनी क्या बात है तो पता नहीं आज जब मैं बोलती हूँ तो अब लोग कहते हैं अच्छा हमें तो लगा ये बड़ा कोई डिफरेंट बोलती होंगी मैं तो पहले बोलती भी नहीं थी इस वजह से मैंने कहा लोग मेरे बोलने में क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर मैंने सोचा कि मेरी ये आवाज़ ठीक है अगर मैं बड़ा लाइट और बोलती होती तो मैं कोर्स में तो बात ही ना कर सकती मुझे तो किसी ने सुनना ही नहीं था कोर्स में तो मैंने सोचा ये आवाज मुझे इसलिए मिली है तो मैं इसलिए अब मैं सोचती हूँ हर चीज का कोई ना कोई मकसद है Hmm. मैं पहले सोचती थी मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं अच्छी है क्या मेरी आवाज है लेकिन इस आवाज़ की वजह से मेरा एक इम्प्रेशन कॉन्फिडेंस आता है लगता है कॉन्फिडेंट हूँ मैं नहीं मतलब हमें तो उस तरह से नहीं फील होता बट आई हाँ। आपको क्योंकि हाँ। लोगों ने कहा ब्रिटिश एक्सेंट निकलेगा यूरोप ये, ये <laughs> और ब्रिटिश वहां से एक दफा लंदन में घूमने गई हूं लेकिन की नेशनलिटी नहीं वैसे आपको चाइल्डहुड कहां पे गुजरा हां जी नहीं मेरा तो वैसे गुजरा वाला में गुजरा क्योंकि मेरे पापा की पोस्टिंग उधर थी उसके बाद फिर मेरे जो एमबीए के फिर मैं इस्लाबाद आई थी मेरे बैरिया यूनिवर्सिटी से एमबीए किया था फिर उसके बाद लेकिन तब वाला वाला में हम लोग कैंट में मेरा टाइम गुजरा बड़ा डिसिप्लिन और सब कुछ है तो इसलिए यह कि हमेशा ऐसे लाइफ गुजरी कि बड़ी सेफ इन्वायरमेंट में गुजरी तो इसलिए आपको नहीं पता होता कि बाकी और लोगों की जिंदगी में कितनी मुश्किलें लेकिन मैं हमेशा लोगों की सुनती हूँ मतलब बातें स्टोरीज क्योंकि मुझे होता है ज्यादा से ज्यादा पता चले कि क्या चल रहा है लोगों की लाइफ में स्टोरीज में क्योंकि आप बड़ा लर्न करते हो इन चीजों से मुझे अक्सर लोग बोलते हैं तुम तो क्या उसकी स्टोरी सुनने शुरू होगी सबको तो मैं कहती हूँ मतलब बड़ी लर्निंग होती है क्योंकि बड़ी छोटे छोटे एक्सपेक्ट होते हैं जिससे आपको पता चलता है अच्छा ऐसा है और ये चीज़ थी और सब कुछ क्योंकि आपका तो बिल्कुल ही नहीं है डिफरेंट एनवायरमेंट में आप आए हो आपने तो देखी ही नहीं है ना वो कम्प्लीकेशन और सब चीजें तो आपको नहीं पता तो आप इन्हीं लोगों से सीखते हो सब चीज़ें तो मैं मुझे तो बड़ी लर्निंग होती है मैं ये सोचती हूँ इन लोगों को भी जो ऐसे जनरल पब्लिक है इन लोगों को भी बड़ा बुलाना चाहिए क्योंकि वो तो वही करते हैं और सारे मसले तो वही देखते हैं तो मतलब ज्यादा जनरल पब्लिक तो वही है ना तो उन लोगों की भी स्टोरी सुननी चाहिए कि उनके साथ क्या है और क्या मसले देख रहे हैं और वो आगे फ्यूचर में मुल्क को कैसे देख रहे हैं देख उनकी हैं। भी सोच है बेशक वो अनपर है लेकिन उनकी भी एक सोच तो है तो तो आप किसी को भी उस तरह से आप सीखते हो मुझे ऐसा लगता है राइट right, तो नया बहुत पता नहीं लगा किस तरह से गुजरे और मैं वही कहूंगी कि जिन हमारे देखने वालों को लग रहा होगा क्योंकि लोग अगर आपको सोशल मीडिया के थ्रू जानते तो रियल यू को उस तरह से नहीं जानते उनको नहीं पता कि आपकी स्ट्रगल्स क्या रही हैं अब जैसे मुझे नहीं पता था आपका कोई डार्क फेस भी था मुझे नहीं पता था कि आपने मतलब इतना मतलब mm. उसको पैशनेटली देख के और mm. करियर को लेके और mm. क्या क्या आप लेने जा रही थी या किस तरह से लोगों के कुछ मीन कॉमेंट्स mm. ने आपको सब कॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ें डाल mm. के आपको एक छोटे से कॉम्पलेक्स ah, में डाल दिया <laughs> ये वाली चीज़ें <laughs> तो आई एम श्योर दे वॉज अ लॉट जो आपने अपने बारे में बताया दिस इज एन इंस्परेशन फॉर एवरीबडी हु दिस सीरीज़ और फीडबैक uh, जरूर दीजिएगा अगर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो नेगेटिव वाला तो दीजिएगा अदरवाइज थैंक थैंक यू यू रिफ्रेन फ्रॉम दैट सो मच नायला थैंक यू सो मच मरियम मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मतलब मैं ज्यादा यही सबको बताना चाहती हूँ मतलब सबकी सेम लाइफ है मतलब hmm. ये नहीं कि कोई परफेक्शन है सबकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि हर किसी की लाइफ में ये चीजें हैं और ये नॉर्मल है hmm. और ये इमोशन आप ज्यादा से ज्यादा शो करें इमोशन को आप जो इतना प्रिटेंट करते हैं ना लोग मुझे नहीं पसंद और मैं मैं इस चीज को इंकरेज करती हूँ कि आप प्रिटेंट ना करें आप अपना इमोशन शो करें और अगले बंदे को भी आप इतनी स्पेस दें कि वो अपना शो शो कर सके। शो कर सके। सके। hmm. और ये ठीक है, यही वो चीज है hmm. जो आपको इंसान बनाती है तो दिस इज ह्यूमन साइड अबाउट एंड थैंक यू सो मच दिस इज इट फ्रॉम दिस एपिसोड इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी तब तक ख्याल रखिएगा